टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। भारतीय नौसेना ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के साथ मिलकर मंगलवार को एक जॉइंट ऑपरेशन में गुजरात के तट से करीब 3,300 किलोग्राम ड्रग्स ले जा रही एक संदिग्ध नाव को पकड़ा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के सोलर पॉलिसी पर रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सोलर पॉलिसी का ऐलान किया था। सोलर पॉलिसी से दिल्ली के बिजली के बिल जीरो होने थे। हिमाचल प्रदेश से जानकारी है कि कांग्रेस के 40 विधायकों में से 20 विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हड्डा को हिमाचल प्रदेश संकट के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। बीएसपी के विधायक रहे गुड्डू जमाली कल समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जमाली उर्फ शाह आलम के कारण ही पिछले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी आजमगढ़ सीट हार गई थी। देश के फाइनेंस सेक्टर को साफ सुथरा रखने की अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही एक बड़ा फैसला ले सकता है। इससे भविष्य में पेटीएम पेमेंट बैंक की जैसी घटनाओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत तो मामूली तेजी के साथ हुई है और सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त का हरा निशान देखा जा रहा है। आज सपाट चाल के साथ बाजार की ओपनिंग हुई है और बैंक निफ्टी मामूली तेजी के साथ 46,600 के ऊपर निकल गया है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में बरी किए गए दोषी संतन का बुधवार को निधन हो गया। संतन ने चेन्नई के राजीव गांधी जनरल अस्पताल में बुधवार सुबह उसने आखिरी सांस ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्राइवेट अस्पतालों के जरिए वसूले जाने वाले मनमानी पैसे को लेकर नाराजगी व्यक्त की। अदालत ने 14 साल पुराने कानून क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट नियमों को लागू करने में केंद्र की असमर्थता को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। पूर्वोत्तरी राज्य नागालैंड ने अपने नागरिकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। राज्य सरकार यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम शुरू करने जा रही है, जिसका ऐलान हालिया बजट पेश करते हुए किया गया। यह यूनिवर्सल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम पूरी तरह से सरकार के द्वारा फंडेड रहने वाली है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत आज किसान भाइयों के अकाउंट में 16वीं किस्त पहुंचेगी। इस किस्त का किसान भाई बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यवतमाल से करोड़ों किसानों के अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर करेंगे। जूनिपर होटल्स की लिस्टिंग आज बीएसई और एनएसई पर हो गई है। लिस्टिंग भले ही सपाट हुई है, लेकिन ओपनिंग मिनटों में ही शेयर ने 11.50% की उछाल दिखा दी है। तेजी से बढ़ रहे इलेक्ट्रिकल कार बिजनेस पर टाटा समूह का भी फोकस है। इसके तहत टाटा समूह बैटरी बनाने के लिए नई गीगा फैक्ट्री लगाने वाला है। टाटा समूह की बैटरी गीगा फैक्ट्री ब्रिटेन के ब्रिजवाटर से बनने वाली है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक की 15 राज्यसभा सीटों पर मंगलवार को चुनाव हुए हैं। बीजेपी ने चुनाव में हारी बाजी जीतने का काम किया है, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जीती बाजी हार गई है। मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी को बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। नीता अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज वॉल्ट डिज्नी की मर्चर वाली मीडिया बिजनेस की चेयरपर्सन बन सकती हैं। उनके पास अभी रिलायंस फाउंडेशन मुंबई से धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की जिम्मेदारी है। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन तीसरी बार पिता बन गए हैं। इस बार उनकी पार्टनर सारा रहीम ने बेटी को जन्म दिया है, जो कि उनकी तीसरी संतान है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 7 मार्च से खेला जाएगा। यह मुकाबला धर्मशाला में खेला जाना है। टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी केएल राहुल इस मैच से बाहर हो सकते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल इलाज के लिए लंदन गए हैं। डंकी एक्ट्रेस तापसी पन्नू भी शादी के बंधन में बंधी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्ट्रेस अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड माथियास बो के संग जल्द शादी करने वाली है। बिग बॉस 17 में मुनव्वर फारूकी का नाम लेकर सुर्खियां बटोरने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आयशा खान के हाथ एक बिग बजट फिल्म लग गई है। जल्द बिग बॉस 17 के ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट पैन इंडिया रिलीज होने वाली तेलुगु फिल्म में नजर आएगी। इस फिल्म में मलयालम सुपरस्टार दुलकर सलमान लीड रोल निभाते हुए नजर आएंगे। रामपुर के एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से बॉलीवुड एक्ट्रेस और पूर्व सांसद जया प्रदा को फरार घोषित किया गया है। कोर्ट ने पुलिस को उन्हें गिरफ्तार कर हाजिर करने के आदेश दिए हैं। दरअसल ये मामला 2019 लोकसभा चुनाव के समय का है। एक्ट्रेस के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के 2 मामले दर्ज हुए थे।
ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।